नमस्कार किसान साथियों, देखिए किसान कर्ज माफी योजना की सूची जारी हो चुकी है और किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। देखिए प्यारे किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस समय 23 राज्यों को मिलेगा किसान कर्ज माफी योजना का फायदा, क्योंकि अभी अभी 2024 में आज की तारीख से देखिए आज बड़ा ऐलान हो गया है, यानी कि मोदी जी ने देखिए अभी अभी ये अनाउंसमेंट कर दिए। अभी हम खेत पर ही बैठे हुए हैं और बहुत सारी किसानों से बात भी कर रहे हैं कि देखिए अब सभी किसानों का भाई कर्ज माफ होगा, क्योंकि देखिए किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान है, 23 राज्यों के किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। कितना माफ़ किया जाएगा, क्योंकि सूची भी जारी हो चुकी है कुछ राज्यों में, तो देखिए किन राज्यों की कितनी सूची जारी हुई, कितने लाख रुपए का, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि भारत सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024 के नाम से शुरू की गई है और यह पहला देश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आइए देखिए इस योजना के बारे में आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊं कि इस योजना का उद्देश्य और लाभ क्या है। तो देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों पर जो है बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को बैंक से लोन मिलता है, लेकिन देखिए प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से फसल खराब होने पर वे अक्सर इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। और इस योजना के अंतर्गत देखिए सरकार ने प्रत्येक पात्र किसान का 2-2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस समय 2-2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ किया जाएगा। अगर आप भी किसान हैं तो किसान कर्ज माफ़ी योजना में अगर आवेदन नहीं किया तो जल्द से आवेदन कर दें, क्योंकि पात्रता यानी कि मापदंड जो है वो मैं आपको अगर बता दूं तो देखिए इस योजना में आवेदन करने के लिए जिस भी राज्य का है, तो मैं ये उत्तर प्रदेश का दिखा रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए आप लोग। जिस भी राज्य के हैं, 23 राज्य के किसानों का कर्ज माफ हो रहा है, आप लोग जिस राज्य के हैं, जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं उस राज्य के निवासी हों। जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं उसकी उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। और देखिए सिर्फ छोटी ज़मीन वाले और गरीब खेती करने वाला किसान, यानी कि जो लोग गरीब है भाई, छोटी छोटी ज़मीन है, जैसे 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर तक ज़मीन है, उन्हीं का भाई कर्ज माफ़ होगा। और कर्ज माफ़ी जो सरकारी या सहकारी बैंक कृषि कार्य के लिए लिया गया लोन होना चाहिए। और देखिए मैं आपको बता दूं कि लाभार्थी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी नहीं होना चाहिए। तो साथ ही साथ देखिए आवश्यक दस्तावेज की भी बात कर लेते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की भी बात करें, तो भाई देखिए आपके पास आपका राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए और समग्र पहचान पत्र, जमीन के कागजात होने चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आवेदन कर दीजिए भाई। आप लोग अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, किसान कर्ज माफ़ी योजना के वेबसाइट पर जाकर ये आवेदन कर लीजिए। अगर कोई गलती या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बताइए, हम उसमें सुधार कर देंगे और आपका 2 लाख रुपये का कर्ज माफ़ हो जाएगा। धन्यवाद।